अग्रवाल हियर एंड दिस वीडियो इज फॉर सीएस फाइनल। जी हाँ, तो ये वीडियो सीएस फाइनल के गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स वाले जो पेपर है उस सिलसिले में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन हो रखा है कि सर अमेंडमेंट्स हैं तो कितने हैं और हैं भी कि नहीं भी है। आइए उसको हम लोग जो है ना 10 मिनट्स ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सीएस फाइनल, 10 मिनट्स लास्ट तक देखिएगा आप लोग पूरा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ताकि मैं आपका कम से कम समय लेकर के ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। गवर्नेंस 50 मार्क्स, आरएम 20, कंप्लायंस 20, एथिक्स 10, ये सबको पता होना चाहिए ब्रेकअप, ठीक है। अब जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो गवर्नेंस है 50 मार्क्स का वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10, दिस इज गवर्नेंस 50 मार्क्स, आरएम इज 20, ठीक है। उसके बाद जी हाँ ये हो गया 50, ये हो गया 20। उसके बाद आपका जो कंप्लायंस मैनेजमेंट है उसमें ये 3 चैप्टर्स है 20, उसके बाद ये 4 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अब इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस के जो इंडेक्स है उसमें कुछ चेंज किया था जिसके कारण कंफ्यूजन आ गया था। हालांकि मैंने आज से 3 महीना पहले 4 महीना पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना दिया था, बट बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा हो सकता है, बट अभी एग्जाम नजदीक है एंड एकदम नॉकिंग एट द डोर। तो अभी गवर्नेंस में क्या अमेंडमेंट है मैं एक बार फिर से रिविजिट कर दे रहा हूं, और अगर वो अमेंडमेंट के क्लासेस है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, जैसा इंस्टीट्यूट का नया मॉड्यूल आप देख सकते हैं, गवर्नेंस 50 मार्क्स, जीडीसी गवर्नेंस 50 मार्क्स। अब गवर्नेंस के अंदर इंस्टीट्यूट ने एकदम यहां पर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 20 तक डाल दिया, तो लोगों को इससे काफी कंफ्यूजन हो गया, हे भगवान हाय भगवान 10 चैप्टर बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया, ये चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स के नाम लिख करके रख दिए। चैप्टर्स तो यहां पर है, ये लेसन है आपके, ये चैप्टर्स है जो अभी भी 18 चैप्टर्स है, यू अंडरस्टैंड, अभी भी 18 चैप्टर्स है, क्लियर। तो आरएम में जैसा आप देख सक रहे हैं 1 चैप्टर था, कंप्लायंस में जैसा आप देख सक रहे हैं 3 चैप्टर था, एथिक्स में 4 चैप्टर था। ये देखिए मेरे मैट में भी आरएम में आपको 1 चैप्टर दिखाई देगा, ये इंस्टीट्यूट का मैट है, आरएम में 1, कंप्लायंस में 3, एथिक्स में 4, 1 3 4, ठीक है, 1 3 4। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गवर्नेंस, ये 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर में आप देखेंगे वहां पर 10 के जगह आप देखेंगे यहां पर कि 11 चैप्टर्स हो गए। इंस्टीट्यूट ने 1 चैप्टर हटाया है और 1 चैप्टर डाल दिया। जो चैप्टर हटाया है इंस्टीट्यूट ने वो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स, इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, दिस इज अ चैप्टर। बट मेरा ये एडवाइस रहेगा आप इसको छोड़ करके मत जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पाप मत करिएगा कि आप इस चैप्टर को छोड़ करके चले गए, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो बैंक का भी उन लोग पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस का भी पूछ सकते हैं, पीएसयू का भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर आपको थरली पढ़ा रखा है, आप भी थरली पढ़ करके जाइएगा। ये सुसाइडल अटेम्प्ट मत करिएगा कि आप इसको छोड़ करके जा रहे हैं। ओके, अब इंस्टीट्यूट ने जो एक नया चैप्टर डाल दिया है वो है ये वाला, ठीक है। एक तो बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड और एक कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर, यानी जो पहले 10 चैप्टर हुआ करते थे उसमें से 1 हट गया, बैंक इंश्योरेंस एंड पीएसयू का कॉर्पोरेट गवर्नेंस हटा गया, वो कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर समाया हुआ है, तो आप उसको छोड़ करके मत जाइएगा। बन गए 9 और ये 2 नए चैप्टर जो इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, इसलिए इसका एंड रिजल्ट 11 आ रहा है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके। अब ये जो बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सिलेबस चेंज होने के पहले से ही अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट का नस पकड़ कर रखा हूं, मेरे को पता है इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए। सब्जेक्ट का नाम है गवर्नेंस, अब ये गवर्नेंस का काम डायरेक्टर्स का है, तो इससे रिलेटेड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चाहे आपने मेरे से दिसंबर 19 के लिए ट्यूशन लिया हो या जून 20 के लिए, आपको ऑलरेडी कवर है। इनफैक्ट जून 19 के लिए भी ये कवर था, कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर। अब कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स के अंदर आप देखेंगे, कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स एलओडीआर रेगुलेशन है इसके अंदर। अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़े हुए हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, तो आपको ये 6 क्लास एलओडीआर का पहले मिल चुका होगा, और उसके बाद मैंने इसको यूट्यूब में भी अपलोड किया था। तो एलओडीआर का 6 क्लासेस जो है ना, ये आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड है जो यहाँ पर कवर होता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, विजिल मैकेनिज्म, ऑडिट रिलेटेड इश्यूज, तो ये अपना सेक्शन नंबर 188 आ गया, एंड विजिल मैकेनिज्म वगैरह सब सेक्शन 177 आ गया, तो ये ऑलरेडी आपका कवर है। हाँ,
सेक्शन 188 जो है, मैं पहले अलग से गवर्नेंस में नहीं पढ़ाता था, वो मैं मॉड्यूल 2 में पढ़ाता था, अब ये नया सेक्शन 188 जो है, मतलब मॉड्यूल 1 के लिए नया, आपके लिए नया नहीं है। तो अगर आपने सारा मॉड्यूल का ट्यूशन लिया है तो आपका ऑलरेडी कवर्ड है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो मतलब एज सच गवर्नेंस में जो अमेंडमेंट्स है हम लोग पहले से आगे रहते हैं। अब अगर हम इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बताएं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी देखिए एक बार, गवर्नेंस में मेरे पहले 30 क्लासेस हुआ करते थे, बट मैंने इन ड्यू कोर्स 35 क्लासेस जो है उसको कर दिया है। 30 क्लासेस पहले हुआ करते थे, अब 35 क्लासेस है। सर ये 5 क्लास कब लेकर आए? भाई मिल चुका है, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने 1 महीना पहले, इसमें एलओडीआर के क्लासेस को मैंने बढ़ा दिया था। उसके अलावा आप देखिए ये सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है एंड नफरा, नफरा ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, आप सर्च मार लीजिएगा मेरे नाम से नफरा मोहित अग्रवाल, आपको मिल जाएगा, ये करके जाना है, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है नफरा, जो एक नया चैप्टर इंस्टीट्यूट ने डाला है उसके कारण अफेक्ट हो रहा है, उसके कारण आ रहा है गवर्नेंस में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है उसका लिंक खाली मॉड्यूल 1 वाले लोगों को भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने सारे ट्यूशन लिए मॉड्यूल्स के उनके पास ऑलरेडी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिन्होंने सारा मॉड्यूल्स के लिए प्रिपरेशन किया है उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है गवर्नेंस पेपर में, जिन्होंने खाली मॉड्यूल 1 का ट्यूशन लिया है तो इन दैट केस उन बच्चों को 2 क्लास, एक नफरा वाला करना पड़ेगा और एक सेक्शन 188 वाला करना पड़ेगा, नफरा एंड सेक्शन 188। ठीक है, नफरा ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है और सेक्शन 188 का लिंक जो है, छोटा ही क्लास है, लगभग पौने 2 घंटा का है, उसका लिंक जो है वो आज ही आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, मतलब YouTube में अपलोड नहीं होगा ये सेक्शन 188, इसका लिंक जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को मैं भेज दूंगा, और नफरा जो है पूरे YouTube फैमिली के लिए अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं, जितना हो सकता है देखो उतना किया जाता है सबके लिए। तो 35 क्लासेस है गवर्नेंस में, पहले 30 थे अभी 35 है। सर बढ़ा क्यों? बढ़ा इसलिए क्योंकि एलओडीआर के क्लासेस बढ़ गए, तो वो ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने 1 महीना पहले अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए, और इसके अलावा ये सेक्शन 188 एंड नफरा, नफरा ऑलरेडी अपलोडेड है और सेक्शन 188, खाली जो मॉड्यूल 1 ट्यूशन ले रखा है उसको हम लोग की तरफ से लिंक चला जाएगा, जिन्होंने सारा मॉड्यूल्स का ट्यूशन ले रखा है दोस्तों उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके, तो आपका पेपर बहुत ही सॉलिड जाने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाने वाला है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जितना मैंने कवर किया है वो पूरा इंस्टीट्यूट का मैट मैंने कवर कर रखा है, आपको एकदम टेंशन लेने का दरकार नहीं है, आप जाइए और ये सब जो मैट्स मेरे हैं उसको अच्छे से पढ़ करके जाइए, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट का मैट देख लेना चाहिए तो भाई इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है जितना पढ़ रखे कोई नया चीज मत पढ़िए, जितना पढ़ रखे उतना पढ़िए, और जिन लोग सारा मॉड्यूल्स का ट्यूशन लिया उन लोगों के गवर्नेंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जिन लोग खाली मॉड्यूल 1 का ट्यूशन लिया तो उन लोगों के पास जो है नफरा ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में और सेक्शन 188 डेढ़ पौने 2 घंटा का क्लास है, उसका लिंक जो है उन लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए क्विक अपडेट था, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहे। हाँ एक चीज और भाई, ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया यहाँ पर, कुछ सिलेबस में जो चेंजेस है वो अपने ऑलरेडी क्लासेस में कवर करते थे एक्स्ट्रा बोल करके। अच्छा, ऑडिट कमिटी वगैरह सर ऐड हुए हैं, भाई तुम्हारा भाई पहले से उसको पढ़ाता है, टेकोर कोड पहले से ही हम पढ़ाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये देखो जो टीचर लोग नहीं पढ़ाते थे अब 29 से लेकर के 35 तक उनको पढ़ाना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी ये चैप्टर 29 से लेकर के 35 जो है ना, ये पॉइंट 29 से 35 जो नंबर ऑफ क्लासेस है ये मैं शुरू से ही हमेशा पढ़ाता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 173, 174, 177 ऑनवर्ड, जिसमें ऑडिट कमिटी, विजुअल मैकेनिज्म, एनआरसी सब आ जाता है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इंक्लूडिंग सेक्शन सूट, ठीक है, फिर सीएसआर एंड सेक्शन 134, ये सब ऑलरेडी आपके पास दिया गया है, तो आपको जो है एकदम निश्चिंत रहना है, मतलब जिन लोग सारा मॉड्यूल का ट्यूशन लिया उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है गवर्नेंस में, जिन्होंने खाली एक मॉड्यूल 1 का ट्यूशन लिया उनको नफरा यूट्यूब से कर लेना है, ऑलरेडी अपलोडेड है, पब्लिक किया हुआ है, और सेक्शन 188 जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को लिंक चला जाएगा, और आपका पेपर बहुत ही शानदार जाए भगवान से यही शुभकामनाएं, स्टे पॉजिटिव एंड जस्ट गो थ्रू। बहुत बार ऐसा लगेगा कि मिक्सअप हो जा रहा है, तो मिक्सअप होने दीजिए, पेपर भी मिक्सअप करके ही आता है, आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि मिक्सअप हो जा रहा है, आप खाली ज्ञान लेते जाइए और एग्जाम में जाकर के उस ज्ञान को लिख करके आइए, पेपर छोड़ना नहीं है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल, बाय।